गुड नाइट जब भी आप वीडियो देखें, ओके बेसिकली इस टाइम की अगर बात की जाए तो गुड मॉर्निंग ही सही रहेगा, लेकिन जब भी वीडियो आपके पास पहुंचे तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओके। तो चलिए, मैं आयुष्मान त्रिपाठी और आप आ गए हैं इस समय एडी कैंगल पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। हीट एसेंजर की कहानी शुरू हुई है हमारे इस एडी कैंगल पॉइंट पे, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हीट एसेंजर की पड़ चुकी है। ये वीडियो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के टाइप्स का है। ये लास्ट वीडियो है किसका, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का। इसके बाद हीट एक्सचेंजर की कहानी चलेगी डबल पाइप, फिन टाइप, प्लेट टाइप, बाकी तीन बस और बचे हैं। ये है बेसिकली सेल एंड ट्यूब टाइप के लास्ट टाइप का। क्या है केटल टाइप रीबॉयलर विथ यूट्यूब अरेंजमेंट। मैंने आपको यूट्यूब बता रखा है, यूट्यूब बताने की जरूरत नहीं है, रीबॉयलर के लिए काम करता है, लेकिन उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। इसमें जुड़ गया है आपका केटल टाइप, ठीक है। होता क्या है ये जानते हैं। यूट्यूब क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इसका ट्यूब यू शेप का है, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब, ओके। इसका यूज कहां होता है, पहले इसका वर्क जानते हैं फिर यूज जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा अगर ले चलूं डिस्टिलेशन कॉलम की ओर, कहां ले चलूं डिस्टिलेशन कॉलम की ओर, तो आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम में जब हम यहां फीड देते हैं, ठीक है, ये हमारा टॉप प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ पे कंडेंसेट होता है, यहाँ पर रिफ्लक्स और यहाँ पे डिस्टिलेट पाते हैं, ठीक है, और ये आपका बॉटम प्रोडक्ट। तो कभी कभी होता क्या है आपका कि जो बॉटम प्रोडक्ट होता है इसमें क्या होता है आपका जो वेपर बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भी इस बॉटम प्रोडक्ट में चले आते हैं, तो उसको दोबारा क्या होता है यहाँ पे हीटिंग देना पड़ता है, यहाँ पे दोबारा, तो यहाँ पे एक लगा के हीट एक्सचेंजर लगा होता है। क्या लगा होता है, हीट एक्सचेंजर। ये जो नीचे आपका हीट एक्सचेंजर लगा होता है वही है आपका ये केटल टाइप रिबॉयलर विथ यूट्यूब अरेंजमेंट, ओके। एक बार और बता रहा हूं कि आपका बॉटम से प्रोडक्ट आता, जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ये देखिए मैंने आपको यहां से लिख रखा है, थोड़ा सा फिगर को मैं आप अभी जैसा कि बुक में रखा है मैंने वैसा बनाया है, लेकिन आप समझिए आपका ये जो लिक्विड फीड है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, किसमें, इस प्रकार की। तो मतलब ये फिगर कुछ ऐसा रहता तो फिर आपको अच्छे से समझ में आता, ठीक है, लेकिन मैनेज करिए। फिगर आप बुक में भी ऐसे दे रखा है, अगर मैं ऐसे बनाता तो आपको कंफ्यूजन होती, इसके लिए आप इस समझिए जो आपका एक प्रोडक्ट है क्या हो रहा है, वो आ रहा है किसमें, इस प्रकार की हीट एक्सचेंजर में। वो यहाँ पे देखिए लिक्विड फीड कहां से, फ्रॉम कॉलम, कॉलम से आ रहा है, ठीक है, ओके, किसमें आ गया, कॉलम से आया है, ओके, ठीक है। अब जब ये आया तो चूंकि क्यों कॉलम में आने के बाद क्या होता है, इसको दोबारा हीट देनी पड़ती है, क्या होती है, दोबारा हीट देने पड़ती है, क्यों, क्योंकि तो कुछ वेपर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिक्विड्स के साथ कंटेक्ट करा के बॉटम में चले आते हैं और उनको दोबारा हमें क्या होता है वेपर फॉर्म में करना रहता है। तो करते क्या है, जब यह लिक्विड हमारा इसमें आ गया, अब हमको इसमें हीटिंग मीडियम की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं हम यहां से स्टीम दे रखे हैं, हम यहां से स्टीम दे रखे हैं। देखिए यहां पे स्टीम दिखाया गया है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में इंक्लूड होंगे, आप जब इंडस्ट्री में प्रवेश लेंगे तो वहां पे हीटिंग मीडियम आपकी स्टीम भी हो सकती है, हीटिंग मीडियम कोई हॉट फ्लूड भी हो सकता है, ओके। तो आप ये समझिएगा अभी बेसिकली मैंने आपको स्टीम लिया, तो क्या होता है स्टीम आपका ये आएगा यहां से, पहले वो इस सारी स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है, फिर वो क्या होगा ये ट्यूब में इंक्लूड हो जाएगा, ओके। यहां से देखते रहिएगा सर, बहुत इंटरेस्टेड कहानी शुरू हुई है। वो क्या होगा ऐसे जाएगा और यहां से जाते जाते आपका कंडेंस स्टीम होके यहाँ से आपका कंडेंस आउटलेट होके निकल जाएगा। कंडेंस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल में क्या हुआ है आपका लिक्विड दे रखा है, जब इसके कंटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड होगा वो क्या होगा थोड़ा ठंडा होगा, स्टीम ज्यादा होगा, हॉट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा ये स्टीम कंडेंस हो चुका रहेगा, तो वो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब यह सेल में के अंदर जो हमारा लिक्विड फीड है वो स्टीम के थ्रू क्या होगा अपनी वेब फेज चेंज कर चुका रहेगा, तो जो जल्दी आपका वेपर फेंज करना होगा जिसको हमें पाना है डिस्टिलेट के फॉर्म में, वो क्या होगा मैंने उसको यहाँ दिखाया, यानी जैसे वेपर होगा और वेपर की टेंडेंसी यही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे वो इस ट्यूब्स के आपका हिट पाएगा वो तुरंत अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वो तुरंत यहाँ से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। बट इसको कहीं और से रास्ता ना दिया जाके मैं यहाँ से रास्ता दिया गया, तो यहाँ से वेपर से वो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वेपर कहाँ जा रहा है, ये फिर यहाँ पे आपका कॉलम बना हुआ है याद रखिए, और एक कॉलम में टॉप से निकल जा रहा है, और बाकी जो अब भी आपका बॉटम प्योर प्रोडक्ट आप जो पा रहे हैं जो कि वेपर फॉर्म में नहीं बनने वाला है वो आपको कहाँ से मैंने दिखाया, यहाँ से मैंने क्या लिखा है हार्ड लिक्विड आउटलेट, क्योंकि इसकी भी कुछ आप देखेंगे
स्टीम की वजह से क्या होगी, ये भी कुछ हॉट हो चुका रहेगा, ये भी कुछ एनर्जी क्रिएट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हॉट लिक्विड आउटलेट। ओके, बेसिकली बहुत सिंपल है, बस मैंने ये समझाया कि इसका केटल टाइप रिबॉलर का यूज कहाँ किया था। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस प्रकार के रिबॉलर का हीट सिंजर का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप बोलेंगे डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारा फीड रहता है, जो बॉटम में चलाया रहता है लिक्विड के साथ कंटेक्ट में, उसको दोबारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। ओके, उसमें हीटिंग मीडियम आपका स्टीम भी हो सकता है, कोई हॉट लिक्विड भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सारे पार्ट्स वही हैं, ये आपके यहाँ पे ट्यूब सीट है, ये भी आप जानते हैं, ये आपका सेल है, ये आपका वेपर आउटलेट है। इसके पहले आपने जो पढ़ा था यूट्यूब अरेंजमेंट, क्योंकि उसमें वेपर स्पेस को ऑक्यूपाइड करने के लिए बहुत कम स्पेस पा रहे थे, इसीलिए इस प्रकार की हीट सिंजर का यूज किया गया। क्योंकि ये भी एक प्रकार यूट्यूब ही है, लेकिन बस स्पेस को थोड़ा बड़ा कर दिया गया। सो बेसिकली यहाँ पे हम बोल दिए केटल टाइप रिवॉल्व। केटल क्यों बोलते हैं, जो स्पेस ऐसे मान लीजिए आप केटली में जब जाते हैं दुकान वुकान पे, तो चाय पीने के लिए आप केटली में चाय रखते हो, चूंकि क्या होता है उसकी एरिया क्या होती है, लार्ज होती है। सो इसीलिए यहाँ पे भी केटल टाइप बोला जा रहा है। तो ये केटल टाइप रिवॉल्व, इसका यूज भी आपने समझ गया डिस्टिलेशन कॉलम के वाटर प्रोडक्ट में। यानी आप बेसिकली हम पूछे यूट्यूब का यूज कहाँ, तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम के फ्रैक्शनल, जहाँ पे आपको फ्रैक्शनल देखने को मिलता है, बॉटम में जो फ्रैक्शनल आपको टॉप पे देखने को मिलता है, मतलब डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा केटल टाइप रिबॉलर विथ यूट्यूब अरेंजमेंट, सेल एंड ट्यूब का लास्ट ये था। इसकी नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको एक नंबर दिया जाएगा, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको आपके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा उसका नोट्स दिया जाएगा। और नोट्स के साथ साथ अगर आप जॉब के इच्छुक हैं तो आपको जॉब देने का भी हमारी ये टीम काम करती है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।